नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त भार्गव। दोस्तों, आपको पता होगा अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो ये जो कार है मेरा, उसका बैटरी डाउन हो चुका है, और वो लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि मैंने बहुत दिन से इसको स्टार्ट नहीं किया था। मैं दिखाता हूं आपको। देखिए, नहीं हुआ। मतलब लॉकडाउन में सबका कार ऐसे पड़े हुए हैं, तो 10 दिन के अंदर स्टार्ट करना ही चाहिए, नहीं तो मेरा जैसा हालत होगा। तो मेरा कार का बैटरी डाउन हो गया है, स्टार्ट नहीं किया था, तो अभी क्या कर सकता हूं मैं? एक तो ऑप्शन है बैटरी को खोल के एक गैरेज में लेके आना, जहां पे वो लोग चार्ज करके देंगे, नहीं तो घर पे भी कर सकते हैं अगर इन्वर्टर है तो। उसके बाद नहीं तो हुंडई के टेक्नीशियन को बुलाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है, उसके लिए यूट्यूब का सहायता लिया। तो यूट्यूब में मुझे एक वीडियो मिला है, मतलब जब भी आजकल लोगों का प्रॉब्लम होता है यूट्यूब में ही देखते हैं, तो मुझे एक वीडियो मिला है। मैंने टाइप किया था हाउ टू स्टार्ट ए कार विथ डाउन बैटरी। तो यहाँ पे देखिए कुछ वीडियोस है। ये वाला वीडियो ये देख के बहुत आसान लग रहा है। मतलब एक यहाँ पे एक बंदा कार को रस्सी के सहायता से स्टार्ट किया है, तो वही मैं करने वाला हूँ अभी। अगर हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा, बैटरी भी चार्ज हो जाएगा। तो चलिए ट्राई करते हैं। पहले मैं कार को थोड़ा सा ब्रेक कर देता हूँ क्योंकि आगे में जगह चाहिए। फिर अपने कार के जैक को निकालिए। निकल गया जैक। अभी क्या करना है, अभी आगे के टायर को ऊपर उठाना है। तो देखिए उठ गया है, ये घूम सकता है। अभी हैंड ब्रेक को लगा के रखेंगे और इग्निशन को ऑन में रखेंगे। ऑन में है और रिवर्स गियर में डालेंगे। अभी क्या करेंगे, एक रस्सी लेंगे, रस्सी से टायर को लपेटेंगे। देखिए मैंने लपेट लिया है। देखिए अभी क्या करेंगे, रस्सी के इस हिस्से को खींचेंगे, जिससे क्या होगा, ये टायर घूमेगा और इससे कनेक्टेड इंजन घूमेगा और स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो देखते हैं। तो दोस्तों, मेरा कार स्टार्ट नहीं हुआ और उल्टा मुझे चोट लग गया। यहाँ पे उंगली पे रस्सी के गर्म हो जाने की वजह से जल गया और यहाँ पे अलग अलग जगहों पे चोट लगा और कार स्टार्ट नहीं हुआ। तो इससे क्या सीखने को मिलता है? यूट्यूब में जो भी वीडियोस मिलता है वो हमेशा सच नहीं होता है। यूट्यूब के वीडियो देख के आप कुछ भी ट्राई मत कीजिए, ये आज मैंने सीखा और आपको भी मैंने बोला। तो मैंने जो वीडियो देखा था ये है। लेकिन पता नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ है। अभी मेरा ये फेलियर देख के बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आएंगे कि आपको पता नहीं है, आपको कार को रिवर्स गियर में नहीं डालना चाहिए था, लेकिन उस बंदे ने रिवर्स में ही डाला था। और रिवर्स में डालने से टायर जिस साइड में घूमेगा, मैं उसी साइड में ही मैंने रोप लगा के खींचा था, लेकिन इतना हार्ड है ना, घुमा नहीं, लेकिन इस वीडियो में आसानी से घूम गया, पता नहीं कैसे। तो यूट्यूब में जो भी होता है सब कुछ ट्राई मत कीजिए। और साथ ही मेरा जैक का हालत देखिए, ये जैक देखिए कैसा हो गया, तेरा मेरा हो गया। तो जैक भी टूटने वाला है मेरे ख्याल से। उसमें उसने ट्रिक किया है। जब उसने कार को स्टार्ट किया था तब 1-2-3 बोला था और इतना आसानी से स्टार्ट हो गया। मेरे ख्याल से उसके कार के अंदर कोई बैठा होगा जिसने 1-2-3 बोलते ही सेल्फ दबा दिया, इसीलिए इतने आसानी से कार का टायर घूम गया। और इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि उसने ऑडियो एडिटिंग किया है, मतलब कार का स्टार्टिंग का साउंड लगाया है। जब उसने 1-2-3 बोला था, 3 कंप्लीट हुआ ही नहीं और कार का स्टार्ट का साउंड आ गया, मतलब ऑडियो एडिटिंग ठीक से पता चल रहा है। अभी देख लीजिए, सुन लीजिए, ठीक से सुनिएगा। 1-2-3 तो भाई साहब, आपका वीडियो पकड़ा गया। अभी उस वीडियो का ओनर जो है वो तो बोलेंगे ही कि मैंने ऐसा नहीं किया है, लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया है
तो आपने कार का नीचे से क्यों वीडियो शूट किया, आपने क्यों नहीं दिखाया अंदर कौन है? उसके बाद और एक वीडियो मैंने देखा, उसमें तो एक लड़का बैठा हुआ है और एक दो दिन बोलते ही उसका हाथ थोड़ा हिला है और सेल्फ का आवाज़ भी आया है, मतलब उसने सेल्फ दबाया है और पीछे एक लड़के ने रोप को खींचा है। तो वो वीडियो है ये वाला। और सेकेंड वीडियो जो आपने देखा उसमें उसका हाथ थोड़ा नीचे गया मैंने देखा, उसके बाद सेल्फ का आवाज़ भी आया है, क्यों? और वो था बड़ा गाड़ी, अभी मेरा छोटा गाड़ी है उसको ही मैं खींच नहीं पाया, तो लेकिन इसका तो बड़ा गाड़ी था। तो मैं आप सभी से जो यूट्यूब क्रिएटर है मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, व्यूज के लिए ऐसा मत कीजिए, जेन्यून वीडियोज बनाइए, क्योंकि आपको वीडियोज देख के ही लोग ट्राई करेंगे और अगर आपके वीडियो से किसी का फायदा होता है तो उसका श्रेय जाता है आपको, लेकिन नुकसान होता है तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? आपको ही उठाना पड़ेगा। अभी मेरा हाथ जल गया तो उसका जिम्मेदार आप हैं। तो मैं उस वीडियो को टोटली डिसलाइक करता हूँ, मतलब ऐसे चीज मत सिखाइए जिससे लोगों का प्रॉब्लम हो, जान माल का नुकसान हो, तो ऐसा वीडियो मत डालिए।